तन्मय के बाद अब तशरीफ ला रहे हैं राकेश रेड्डी। देखते हैं कि आपके लिए उनके जहन में क्या चल रहा है, कौन से शायर का कलाम सुनेंगे। दाख देलवी का कोई कलाम है आपकी, कोई गजल? मीर तकी मीर। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मीर तकी मीर साहब की जरूर सुनाइए। कौन सी गजल? हस्ती अपनी। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। हस्ती अपनी हुबाब की है, अपनी हुबाब की है, हस्ती अपनी हुबाब की है, ये नुमाइश शराब की जवाब गजल। कैसा गाए हैं? कोशिश अच्छी है, तो मैं इनके लिए यही दुआ करूंगा कि वो और आगे बढ़े और कोशिश करें, और कोशिश करें, रियाज करें, और रियाज करें। फारूक साहब, उर्दू सीखना बहुत आसान है, और जब आप उर्दू सीख लेंगे तो लफ्जों का तलफ्फुज भी आपको सही आएगा और लफ्जों के माने भी मालूम होंगे, तो और आपको जब गजल गाएंगे तो बहुत लुत्फ आएगा आपको, न सिर्फ आपको बल्कि सुनने वालों को भी बहुत लुत्फ है, फीलिंग और जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगी, असर बढ़ जाएगा उसका। जी जी, देवी जी, मेरा सवाल वही आपसे। राकेश, आपके सुर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे जब आप गाते हैं, और आपके स्टैंडिंग नोट्स, वो मैं हमेशा बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि जब आप लैंडिंग करते हैं या ऊपर के, सही लगते हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं हिलते अपनी जगह से, एक खूबी है आपकी आवाज में। लेकिन जरा गजल की अदायगी, गजल गाने का जो अंदाज है, अगर आप और भी सीखें तो आप वो ट्रैक में आएंगे।